दोस्तों कर लेने के बाद रेंडर कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ शेप्स एनिमेट कर लेता हूँ, लाइक फर्स्ट फ्रेम पे जाकर मैं एक क्लिक करता हूँ और उसको एनिमेट कर लेता हूँ। तो अभी इसको प्ले करके देखते हैं, लाइक ये इस तरह से कुछ एनिमेट हो गया। अभी इसको रेंडर करना है, रेंडर करने के लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रीज टैब में जाओ और यहाँ पे आउटपुट नोड है, इस पर डबल क्लिक करना। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो आपके ये जो नोड टैब है वहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है इसके सामने, ये थ्री डॉट्स है। तो उसके पहले अगर आपको कौन से फॉर्मेट में आपको रेंडर करना है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जैसे PNG, JPG या फिर OpenEXR, जो भी आपको करना हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अभी जैसे मैं JPG कर रहा हूँ तो अभी JPG मैं चूज कर लूँ, उसको क्वालिटी हाई कर दिया। अभी हमें अल्फा रेंडर करने वाले हैं, तो यहाँ से RGB को भी और अल्फा में टिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फाइल के आगे जो थ्री डॉट्स है उस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको पाथ देना है कहाँ पे आपका रेंडर सेव होगा, तो मुझे को सेव करना है यहाँ पे और यहाँ पे फाइल नेम किस नेम से सेव होगा, तो मुझे सेव करना है इसमें जो रेमर कहाँ चाहती है, मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। अभी उसको करने के बाद क्या करूँ, आप यहाँ से सेशन में जाके रेंडर सेशन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल आर प्रेस करने पर भी आपको ये विंडो खुलेगा, यहाँ पे आपको रेंडर पर क्लिक करना है। सो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम एंड फ्रेम चेक कर लेना है सही है, उसके बाद रेंडर पर क्लिक कर देना। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ये ठीक है। रेंडर यहाँ पे यही रेंडर हो गया। सो अभी मेरा ऐसा रेंडर क्यों आया, मीन्स अभी फाइल में जाता हूँ आउट, ये मेरा अल्फा रेंडर है। अभी हम लोग को क्या होता है कि कई बार जैसे ये ब्लू कलर है, कलर रेंडर करना होता है। कलर रेंडर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे जाके जो कंट्रोल आर प्रेस करते हो, तो यहाँ पे रेंडर करने से पहले यहाँ पे अल्फा की जगह RGB कर दो तो ये वाला कलर जाएगा। बट एक और तरीका है, आप वैसे भी कर सकते हो जो मैं, सो करना क्या है, आपको एक नोड यहाँ पे लगाना होगा, नोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे नोट्स ये वाले विंडो में। यहाँ पे अभी जनरली आपको रहेगा इस सिलआउट वाले टैब में, यहाँ कंपोजिट में जाओ, यहाँ पे आपको स्लैब कॉम्प मिल जाएगा, यहाँ पे इस स्लैब में, फिर इस स्लैब कॉम्प को यहाँ पे लाओ, जैसे ही ब्लू हो वैसे ही छोड़ देना, ये कनेक्टेड हो गया। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको कौन सा कलर चाहिए वहाँ यहाँ से चूज कर सकते हो। मुझे चाहिए अगर ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे ये कलर चाहिए तो ये कलर हो जाएगा। अभी यहाँ से इसका ओपेसिटी कितना आपको रखना है, ठीक है, वो है जो ये प्रोसीजर में जाते हैं। अगर ठीक है इन्वर्ट करोगे तो बाकी सब कलर्ड हो जाएगा, जितना पोर्शन रोते हुए है वो कमिंग फुटेज होगा। तो यहाँ से जैसा रेंडर करना चाहते हो वैसा चूज कर लो, उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करो रेंडर के लिए और यहाँ से रेंडर। तो अभी इसका रेंडर कलर रेंडर हो गया ये।